इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें, क्योंकि तो संविधान में भी राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष है, उसका मेन कैरेक्टर है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। और ये बात बीजेपी नहीं समझती है। और जहां तक ये हरदीप पुरी की है, इससे तो भैया सस्ती आर्ग्यूमेंट मैं नहीं समझ सकता। इंदिरा जी ने और राजीव जी ने जो साइड के ऑफिसेस थे, लाइब्रेरी थी, एनेक्स थी, उनको इनॉग्रेट किया था। क्या हरदीप पुरी जी ये नहीं समझते कि लाइब्रेरी पार्लियामेंट नहीं है, एनेक्स पार्लियामेंट नहीं है, दफ्तर पार्लियामेंट नहीं है? पार्लियामेंट वो कक्ष होते हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा बैठती है। अब ये बेचारे ब्यूरोक्रेट आदमी हैं, इम्तहान देकर जिंदगी चलाई है, ब्यूरोक्रेसी में कमरों में बैठे फाइलें साइन किए, तो शायद इनको पता ही नहीं। इनके हिसाब से पार्लियामेंट उसके दफ्तर होते हैं। जी नहीं, पार्लियामेंट वहां होते हैं जहां चुने हुए प्रतिनिधि देश का भविष्य बनाते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा होती है, और जिन बिल्डिंग में लोकसभा राज्यसभा होती है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो एनेक्स को मतलब आप समझ लीजिए, ये मेरा घर है और मेरे बाहर के दरवाजे के बाहर अगर कोई दरबान खड़ा है, वो किससे बनता है, ये किससे बनता है, कोई कंपैरिजन है भाई? मतलब मेरा ये मंत्रियों से है कि आप मोदी की तारीफ में कुछ बोलना चाहते हो यार, कहीं ना कहीं अकल तो लगा लिया करो। अगर आप लाइब्रेरी को और खाना खाने वाली होटल को और अधिकारियों के बैठने के दफ्तर को पार्लियामेंट बोल सकते हो, तो फिर आपकी परिभाषा पार्लियामेंट की क्या है वो आप ही जानो। हमारी सीनियर लीडरशिप लेगी। मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि प्रधान राष्ट्रपति की गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रपति के प्रति सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए, हमें ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। विपक्ष की एकता का सबसे प्रबल पक्षधर है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है, और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है, दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है, सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है, वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने अस्पष्ट कर दिया है। अब रही बात एक और, मैं इसमें जोड़ दूं, शायद वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे अजर अमर हो, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी किनारे कर दिया उनको। दूसरा ये है इन्विटेशन कार्ड, इसमें भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, अतिथि होंगे, और हमारा राज्यसभा का सभापति उसके नाम तक का उल्लेख नहीं, उसे डैश पे भी नहीं बुलाया जा रहा है। ये संपूर्ण राज्यसभा का अपमान है, उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर सबको मिला जुला के बैठ के बात होती तो प्रोटोकॉल में तो हमारे सभापति राज्यसभा के लोकसभा के अध्यक्ष से ऊपर है, उनकी अवहेलना, राष्ट्रपति की अवहेलना क्यों, जो महिला है, दलित है, आदिवासी, यही गुना है उनका? तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की दबाव में सारी परंपराओं को, संविधान को कुचल रही है, इसलिए इन लोगों ने बहिष्कार किया। हम मुख्य विरोधी दल हैं, हम सबसे वार्ता करके, सबसे बातचीत करके सही समय पर सही निर्णय आपको बता दें। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं, न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, चुनाव में धांधली कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हैं, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी।
स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है कभी भी। स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। कुंठित भ्रष्टाचारी हताश निराश नेतृत्व केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। देश की तरक्की उनसे पच नहीं रही। भारतीय संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, 135 करोड़ भारतीयों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। माननीय स्पीकर साहब ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता को वहां निमंत्रित किया है। इस पर तुच्छ दर्जे की राजनीति नहीं होनी चाहिए।